बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर आफियत के साथ ही होंगे। फ्रेंड्स, सर्दियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं और जिस तरह हमारी स्किन जो है वो ड्राई हो रही है, वैसे ही हमारे हाथ पांव जो है वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहे हैं, और कहें तो हाथ पांव का कलर जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रहा है। ठीक है जी फ्रेंड्स, तो इसी मसले को मद्देनजर रखते हुए जो है वो आज आप सबको मैं हैंड एंड फुट वाइटनिंग क्रीम जो है वो बनाना सिखाऊंगी। आज थोड़ा सा पैटर्न हमारा चेंज है कि आज हम हदीस के बजाय जो है वो कुरान के बारे में जो है वो थोड़ी बहुत मालूमात जो है वो हासिल करने की कोशिश करेंगे। जैसे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम अंबिया कराम पर जो है वो फजीलत हासिल है, ठीक वैसे ही कुरान पाक को भी तमाम आसमानी किताबों पर फजीलत हासिल है। तो छोटी सी मालूमात मैं आप सबके साथ जरूर शेयर करना चाहूंगी कि वो ये कि कुरान मजीद की किस सूरह में सबसे ज्यादा एहकाम है। एहकाम इलाही मीन्स अल्लाह ताला के ऑर्डर्स हैं। इसका जवाब है सूरतुल बकरा में। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स, आज जिस हैंड एंड फुट वाइटनिंग क्रीम का रिव्यू मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ, फ्रेंड्स मैं अक्सर सर्दियों में जो है उस क्रीम का इस्तेमाल कर लेती हूँ क्योंकि हाथ और पांव बहुत ही खूबसूरत हो जाते हैं, नरम और मुलायम हो जाते हैं। ठीक है, सो आज मैंने सोचा मैं आप सबके साथ जो है उसकी तरकीब ज़रूर शेयर करूँ। एक महीने की या सवा महीने की क्रीम हम बनाने जा रहे हैं। वाइटनिंग कैप्सूल में आपको पता है ग्लूपेथोन मौजूद होता है, ठीक है, जो कि हमारी बॉडी जो है वो खुद भी बनाती है। उसके अलावा वाइटामिन ई जो है स्किन के लिए कितना मुफीद है, हमारे बालों के लिए कितना मुफीद है, हमारे स्किन के कलर को ब्राइट बनाने के लिए कितना मुफीद है, और इस कैप्सूल में मौजूद ऑयल हमारी स्किन को ड्राई और डैमेज होने से भी बचाता है। तो हम इसमें यूज़ करेंगे 5 अदद वाइटनिंग कैप्सूल और 5 अदद वाइटामिन ई के कैप्सूल। ओके, इसके अलावा फ्रेंड्स हमने यूज़ करनी है इसमें 2 आर्ची। ठीक है फ्रेंड्स, आर्ची आप लोगों ने जो है वो ओरिजिनल लेनी है, अगर ओरिजिनल नहीं लेंगे तो उसका रिजल्ट जो है वो भी नहीं आएगा। जिन लोगों को आर्ची अवेलेबल नहीं है वो चाइना की क्रीम योको क्रीम जो है वो भी ले सकते हैं, वो भी आप लोगों ने 2 अदद ही लेनी है और ये अंदर से ऐसी होगी, देख सकते हैं आप। ठीक है, और इसकी इसको चेक करने का तरीका जो है वो क्या होगा वो मैं आपको बता दूँ कि ये हार्ड होगी। ठीक है, जो रियल वाली है ना वो देखें ये हार्ड है, ठीक है ऐसी। ठीक है, जो ओरिजिनल नहीं है फ्रेंड्स वो हार्ड नहीं होगी। ठीक है, लाइक ये ओरिजिनल क्रीम है हमारे पास तो ये अब काफ़ी ज़्यादा हार्ड है। ठीक है फ्रेंड्स, मेन इंग्रेडिएंट जो है हमारा स्टिलमेंट्स इसमें जाएगी, एक बड़ी हम इसमें स्टिलमेंट ले लेंगे। ठीक, स्टिलमेंट्स भी फ्रेंड्स ओरिजिनल ही होनी चाहिए। ठीक है, इसको ओपन करके मैं आपको दिखा देती हूँ, इसकी प्राइस भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि आजकल इसकी प्राइस फ्रेंड्स हो गई है 360 रुपीज़। फ्रेंड्स, इसकी पेमाइश आपने कैसी करनी है फॉर्मूले की, कि एक बड़ी स्टिलमेंट्स आपने लेनी है, इसमें 2 आर्चीज़ बनानी है। अगर आपके पास आर्ची अवेलेबल नहीं है तो चाइना की क्रीम योको वाइटनिंग भी आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, चले बनाना शुरू करते हैं। आप फ्रेंड्स इस फॉर्मूले को मिक्स करते हैं। फोर आर्च स्टिलमेंट्स हमने निकाल लिए। फ्रेंड्स, ये स्टिलमेंट्स हमने निकाल लिए, इसमें आर्ची दोनों जो है वो चली जाएंगी। जी फ्रेंड्स, इस तरीके से इसमें आर्ची भी चली गई, इसको अच्छे से निकाल लीजिएगा। अगर आपको ओरिजिनल मिल जाती है तो ज़बरदस्त हो जाएगा, बहुत जल्दी रिजल्ट आने वाला है आपके हाथों में अगर आपको ये ओरिजिनल मिल जाती है तो। अब दूसरी भी हम निकाल लेंगे। गर्मियों में याद करें कि गर्मियों में आप स्टिलमेंट्स ग्रीन की जगह जो है वो गोल्डन पर्ल डाल लें। ठीक है, बिकॉज हैंड एंड फुट की बात हो रही है तो हम इसमें स्टेराइड जो है वो यूज़ कर सकते हैं। सेंसिटिव स्किन वाले भी हाथ और पाँव में जो है वो ये यूज़ कर सकते हैं। इसको मिक्स करना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये देखें कितने अच्छे से मिक्स हो गई है। फ्रेंड्स, अब इसमें हमने कैप्सूल्स जो है वो ऐड करने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक चला गया, एक ही दफ़ा ओपन करके रख लिया करें अपने पास। अच्छे से हमने इसको निकाल लिया। ये हमारी सवा महीने की जो है वो एक बंदे के लिए फ्रेंड्स सवा महीना आराम से चल जाएगी। ठीक है, और ये 5 के 5 हमारे पास वाइटनिंग कैप्सूल जो थे वो क्या हो गए, इसके अंदर चले गए। ठीक, वाइटनिंग कैप्सूल हमने इसमें ऐड कर लिए। अब टर्न आती है हमारी विटामिन ई के 5 कैप्सूल इसमें डालने की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भी देखिए ऑयल कितना ज़्यादा होता है इसमें। विटामिन ई के कैप्सूल जो है ना फ्रेंड्स, ये इस कदर इंपॉर्टेंट है कि हमारी स्किन को हाइड्रेट करते हैं। ठीक है,
सर्दियों में हमें बहुत ज़्यादा खुश्की की प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, हाथ पांव बहुत ज़्यादा खुश्क हो रहे होते हैं, ड्राई हो रहे होते हैं, इसीलिए स्पेशली यही फार्मूला है। इसमें कोई चीज़ आपने अपने पास से खुद से ऐड नहीं करनी, ठीक है, ये मैं बता रही हूँ, ठीक है। और लास्ट में मैं आप लोगों को बताऊँगी कि ऑप्शनल क्या है। ये चीज़ें तो आपने ज़रूर डालनी है, इसी तरह आपने यूज़ करनी है, ठीक है। ये देखें, इसमें जो मौजूदा जो ऑयल है ना, ये आपकी स्किन को हाइड्रेट करेगा, ठीक है, स्पेशली ये सर्दियों के लिए वाइटनिंग फार्मूला है। इसके बाद लास्ट में मैं इसमें थोड़ा सा जो है ज़ाफ़रान जो है ऐड करूँगी। याद रहे कि ज़ाफ़रान जो है वो इसमें ऑप्शनल है, ठीक है, कंपलसरी नहीं है। इतना सा ज़ाफ़रान जो है वो मैंने ले लिया, इसमें इतना सा ज़ाफ़रान इसमें चला गया। अब इन सब को हमने क्या कर देना है, अच्छे से मिक्स कर देंगे, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर्दियों के लिए बेहतरीन वाइटनिंग क्रीम है ये। 35 ml का जार जो है वो वाइटनिंग क्रीम का हमारा रेडी हो जाएगा इसमें आराम से। फ्रेंड्स, इसका टेक्सचर भी मैं आपको दिखा दूं, देख लें ऐसा बनेगा कुछ, ठीक है। इसमें और कुछ भी आप लोगों ने ऐड नहीं करना है, ठीक है, जितना आपको सिखाया है उतना ही बनाएं। और ये फार्मूला जो है सर्दियों में इस्तेमाल करें जब हाथ पांव बहुत ज़्यादा रफ़ और ड्राई और डैमेज हो चुके हैं। फ्रेंड्स, इस फॉर्मूले को आप लोगों ने सर्दियों में बनाना है और अपने हाथ और पाँव पर जो है वो लगाना है। आपको जैसे मैं पहले बहुत दफ़ा बता चुकी होती हूँ कि क्रीम को बहुत ज़्यादा आप लोगों ने यूज़ नहीं करना होता है। फ्रेंड्स, जस्ट आपने इतनी सी क्वांटिटी जो है वो लेनी है क्रीम की, ठीक है, और फिर आपने उसको अपने दोनों हाथों पे अप्लाई करना है। फ्रेंड्स, आज की हमारी मैजिकल क्रीम जो है वो रेडी हो चुकी है, और इस क्रीम को ज़रूर बनाइएगा और अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। फ्रेंड्स, आज की वीडियो अच्छी लगी हुई हो तो ज़रूर चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर भी कीजिए। मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह अज़ीज़। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।